WhatsApp beautiful and plus some people. Sorry. Carry on. Sorry. I said. Yes guys, so after had the haircut in the afternoon, दोपहर को haircut किया है. After long time fade haircut किया है लड़के ने. Beard is all set. पूरा लड़का tip top हो चुका है. ये जो तार आप देख रहे हो, it's not a guitar तार. ये मैडम के कपड़े सुखाने के तार है. Blue sky and beautiful वडोदरा, खूबसूरत सिटी. यहाँ से क्या नज़ारा है guys, मज़ा आ गया. So this is my first vlog. ऑफिशियली ये नए फ्लैट में से हमारा ऑफिशियली फर्स्ट व्लॉग है. कुछ चीज़ें हमने सेट कर ली हैं, कुछ चीज़ें सेट करना बाकी है. किचन पूरा सेट हो चुका है. दिस इज़ आवर खूबसूरत कॉफ़ी मशीन और ये मटके का पानी गाइस. मटके का पानी ऑल द टाइम अमेजिंग. और यहाँ से भी यस, खाना बनाते वक्त मैडम खूबसूरत नज़ारे का लुफ्त लेते हैं. एंड द ऑल स्टफ इज इनसाइड, सारा सब कुछ मैडम ने अंदर सेट कर दिया है. गणपति बहुत ही क्यूट लग रहा है. मिनिमल सेटअप दिख रहा है अभी घर पे. ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया. मैडम ने परचेस किया था आई थिंक 2-3 साल पहले, तो अब जाके हमको खूबसूरत जगह मिली है लगाने की, तो हमने यहाँ पे नए घर में लगा. द फ्लैट लुक्स अमेजिंग. दिस इज मिस्टर जॉश अरमानी, आप जानते हो इनको. 36 ईयर यंग हैंडसम ब्लॉगर. तो गाइस, सामान शिफ्टिंग का जो व्लॉग था उसमें बहुत ही मज़ा आया है. ज़बरदस्त काम किया है इन लोगों ने. इट वाज ऑन द नेक्स्ट लेवल, मतलब कि हाईली प्रोफेशनल काम गाइस. सारी चीज़ें उन लोगों ने यूं करके निपटा दिया हो. सारा मूविंग, पहले मैं मैन्युअली मूव करने वाला था सामान, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. बट द मेन थिंग इज़ दैट गाइस, कि जो काम जो स्पीड से हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से चीज़ों को पैक किया है, बबल रैप किया है, और एक भी गाइस, एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा, ना फ्रिज में, ना वॉशिंग मशीन में, ना ही माइक्रोवेव में, ना ही टेबल में, ना ही चेयर में, टीवी में, कुछ भी गाइस, सिंगल थिंग डैमेज नहीं हुई है. सो हैप्पी विद द सर्विस. तो अगर आप सामान मूव करते हो और आपके सिटी में ये सर्विस अवेलेबल है मूवर्स और पैकर्स की, तो डेफिनेटली गाइस जस्ट गिव इट वन शॉट एंड वन ट्राई. हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल, के वो सर्विस यूज करने से पहले रिव्यू थोड़ा देख लेना. तो अगर मूविंग का व्लॉग नहीं देखा है तो आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो व्लॉग जाके देख लेना कि किस तरीके से सामान मूव करते हैं. ये शाम ढल रही है, बट मैडम किधर गए हैं? वेयर इज शी? हे, व्लॉग करो. यस, आई एम व्लॉगिंग माई लव. गाइज हेलो. So what's up ma'am, how are you? I am fine. You are fine, you are fit and fine. Madam, haircut kaisa lag raha hai ladke ka? Bahut acha. Hmm. Bahut mast lag raha hai, handsome lag raha hai. Yes, 36 year young. Upar wale ki diya se all the time. Kaash main isme se mobile bahar nikal ke aapko dikha sakta, to ye jali nahi aati. But this is an amazing view. पोरबंदर वाला घर है, वहाँ पे हमारे बजरंगबली और महादेव के दर्शन होते. इधर बजरंगबली है कहीं पे, बट आई कांट फाइंड राइट नाउ. बट हाँ, अजान मुझे सुनाई दे रही है आसपास में से. बट क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस. ये शावर में प्रॉब्लम था, तो ये जो लड़का है अभी आके ठीक करके गया है. सो नाउ इट्स कम्प्लीटली डन. अब जो बाकी है वो यहाँ पे कर्टन्स लगाना बस बाकी है, दैट्स इट. अदरवाइज घर में पूरा काम हो चुका है. बाथरूम इज ऑल्सो डन. यहाँ का भी जो इश्यू था वो आज प्लम्बर आके सोल्व कर गया है. एंड दिस इज आवर मंदिर रूम. ये रूम में गाइज हमने यहाँ पे मंदिर का छोटा सा प्यारा सा सेटअप लगाया है. माँ गायत्री प्रणिपात, आप भी व्लॉग में आ रहे हो,
सो ऐसा कुछ सेटअप लगाया है और यहाँ पे सुबह पूजा करने का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। खूबसूरत सनशाइन, वहाँ पे सूर्य देवता का जो प्रकाश होता है वो भी बढ़िया होता है, एंड यहाँ से भी वंस अगेन खूबसूरत नज़ारा है। तो बेसिकली गाइज ये रूम में अभी इतनी चीज़ें वंस अगेन सेट करना बाकी है, सो जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा वी विल सेट दिस। हाउ आर यू? यू आर फाइन। आर यू रेडी टू गो अपस्टेयर्स माय लव? यस। चलिए जी। You are ready. Yes. और गाइज यहाँ पे तो हम नाइट में व्लॉग करेंगे तो भी नॉइज नहीं आएगा, क्योंकि दिन में रात में दिन कर सकते हो आप, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 1 2 एंड दिस। यस, सो नाउ आप देख सकते हो कि ये पूरा दिन हो चुका। फ्लेट का आइडिया मेरा था, ये लड़के का, ये खूबसूरत हैंडसम लड़का जो दिख रहा है उसका था। तनिक इधर आइए मैम। फ्लेट का आइडिया मैडम का था। थोड़ा स्माइल करो, आप व्लॉग में आ रही हो, असली चेहरा मत दिखाओ अपना व्लॉग में। तो फ्लैट का आइडिया था वो मेरे पार्टनर का था, नेहल का था। थैंक यू वेरी मच इतना आइडिया सजेस्ट करने के लिए, थैंक यू। इतना काम होते हुए भी गाइज मैंने कोशिश की है कि कॉन्स्टेंट रहूं, कंसिस्टेंसी बरकरार रखूं। कलश पूजन का भी व्लॉग हमने बनाया था, मूविंग का भी व्लॉग हमने बनाया है, और आज सब घर के काम जस्ट फिनिश हुए हैं और आज अभी शाम डली है, तो मैंने सोचा कि कुछ छोटा सा प्यारा सा एक वीडियो बनाए। जो व्लॉग्स इस घर पर आएंगे वो नेक्स्ट लेवल के व्लॉग होंगे, क्या बोलता है पार्टनर? यस यस यस। छत पे चलते हैं, वहां पे बात करते हैं। ला 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 ला। ओ हो, क्या बात है। ओ माय गॉड, वाह, ये तो गाइस मतलब कमाल हो गया। इधर तो जबरदस्त रील्स बना सकते हैं मैडम आप, तो मतलब सिंगर बन गए। लुक एट द व्यू गाइस, ओ माय गॉश, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल, इनसेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई, व्हाट अ अमेजिंग। ये गाइस जो ऑरेंज ब्लू एंड व्हाट अ ब्लेंड गाइस, कुदरत जो ब्लेंड करता है वो सुपरब से भी ऊपरब ही होता है। Wow, such an amazing view. इधर टाइम लैप्स लेने का भी मज़ा है, टूर्नामेंट में रहने का एक्सपीरियंस भी अलग था, बट यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। This is a different side of this place and पुराना हाउस है, ब्यूटीफुल एरिया, यहाँ से मतलब पूरा वडोदरा दिखता है, देखो गाइस। तो यस मैडम बताइए, ये इनकी मदर ने दिया है और इनकी मदर एंड मदर इन लॉ ये देख रहे हो तो थैंक यू, शुक्रिया। इसको तो ले आना नहीं था। चलिए मैडम, ये तो ले आना नहीं था। 50 रुपए नहीं, इस बार 500 कटेंगे। 500 ने मैं सच कर रही हूं, अल्ट्रा ओवर एक्टिंग के, अल्ट्रा ओवर एक्टिंग के, इसको बोलते हैं अल्ट्रा ओवर एक्टिंग, अल्ट्रा प्रो मैक्स ओवर एक्टिंग। सो गाइस अब हम पटरी पर चलते हैं, हमारी गाड़ी पटरी पर चला दी, चलो चला दी। यस, अब आप, मैं बात करूंगी। हंसना मना नहीं है, अच्छा सा फेस ब्लूबेरी केक। तो मैं से सोचती हूँ मैं बनाऊंगी, एक दिन जरूर बनाऊंगी ब्लूबेरी केक। मैं से 28 सितंबर को बनाऊं, सरप्राइज देने वाली हूँ मैं। सितंबर 28। यस। डेलाइट, द मॉन्स्टर हैज ओवरटेकन द सिटी, समहाउ आई एम स्टिल अलाइव। ये लाइन आती है रेसिडेंट इविल 3 गेम के बारे में, जो मैंने बचपन में बहुत खेली थी।
और रैकून सिटी। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई गेम की भाषा आती नहीं, समझ में नहीं आती। जो भी गेमर है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा था। और मुझे आप गाइस मैडम 3021 में ब्लूबेरी केक बनाएंगे जब आपके घर के ऊपर से लोग उड़ते उड़ते कार में से निकलते होंगे। मैं बनाऊंगी 28 सितंबर। हाँ तो देखो मैडम, ये लोग भी वहाँ, मैडम अगर आप कुछ भी बोलें तो वहाँ से पत्थर उठा के मोबाइल में से निकल के आएगा और ये लोग सच में मारेंगे। ऐसे मत करना, हमारी जनता बहुत है। सच में ब्लूबेरी केक बनाने वाली। मैडम आप मेरा इंट्रो बोलो तो आप कैसे लगते हो? मैं आजकल मेरा इंट्रो नहीं बोलता, आप इंट्रो बोलो कैसे लगते हो? व्हाट्स अप ब्यूटीफुल एंड ब्लॉसम। रुको, मैं जैसे मेरी स्टाइल में व्हाट्स अप ब्यूटीफुल एंड ब्लॉसम पीपल, दिस इज जॉश अरमानी, आई एम बैक अगेन, बैक टू द न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। ऐसा कुछ इंट्रो थोड़ा हो जाए। इंट्रो बनाऊं? अच्छा ना है तो प्लीज कट कर देना। यस कट कर दूंगा। Cool and blossom people. WhatsApp. WhatsApp beautiful and blossom people. Sorry. Yeah. Carry on. Sorry. WhatsApp beautiful and blossom people. This is Josh Armani back again, new day and new vlog. Natalia, man, जबरदस्त। तो इंट्रो जबरदस्त था और मैडम काफी हद तक, गाइज नेहल काफी हद तक सीख रही है एंड जिस कॉन्फिडेंस से वो ट्राई कर रही हैं व्लॉग करने की, आई अप्रिशिएट हर। और गाइज अगर आपकी वाइफ, अगर आप यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी व्लॉगर हो, गाइज अगर आपका पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है यूट्यूब में, अगर उसको आपकी चैनल में आना है तो उसको सपोर्ट करो। लोग क्या सोचेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है वो ये है कि आप उसको कितना सपोर्ट करते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ गाइज एक दिन में बिल्ड नहीं होती, जो क्राफ्ट है वो स्लोली पॉलिश होता है। शी जस्ट जॉइंड मी एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट, सो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ ऑल द टाइम। थैंक यू नीरव। चीयर्स मैम। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे आपने आपकी चैनल में एंट्री दी। गाइज इसका जो प्राउड है वो मेरा प्राउड है और मेरा जो प्राउड है ये इनका प्राउड है। और दूसरी बात गाइज कि आप लोगों का भी प्यार और सपोर्ट ना होता तो शायद हमको व्लॉग बनाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो आप सभी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हो, जो लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, डिसलाइक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, पर फिर भी जो वो लोग हैं हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको भी थैंक यू। एंड क्योंकि आप ही रीज़न हो, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम जब हम व्लॉग अपलोड करते हैं और कुछ नंबर्स हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, पर एक खुशी मिलती है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके पूरे दिन के शेड्यूल में से 10 मिनट निकाल कर हमारा व्लॉग देखते हो, इस बदल भी थैंक यू सो मच। यस तो रियल में तू कब केक बनाएगी? तो गाइस बनाना पड़ेगा क्यों? तो हमारा व्लॉग भी पक चुका मैडम, हमारा व्लॉग भी पक चुका है और आपने अब तक कुछ पकाया नहीं। हमारी ऑडियंस पक चुकी है और व्लॉग भी हमारा पक चुका है, बस जो पका नहीं है वो है खाना। तो आई थिंक वो भी मैडम थोड़ी देर में पका देंगी, तो अब हम आपको ज्यादा नहीं पकाएंगे, करते हैं ये व्लॉग को एंड। सो यस गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर स्मॉल सिंपल प्यार सा वीडियो। जल्द ही मिलते हैं ब्लूबेरी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम। सी यू लेट। ब्लूबेरी केक बनेगी या नहीं बनेगी कल मार भी जाएगी। मेरा दोस्त है ना जो इमोजी मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो आपको देख रहा है। यस मटका जो है वो बहुत ही अप्रसन्न हो रहा है। यू मेक चाय और पकौड़े, बहुत ही मजा आएगा गाइस। तो आप भी ये बारिश के मौसम में चाय के साथ तनिक थोड़े पकौड़े
खाओ कानपुरिया स्टाइल में। और मैडम थोड़ा कानपुरिया स्टाइल में पकोड़े बनाना ताकि मजा आए, वरना वो मुझे नहीं आता। पकोड़े बनाना किसी को आता है तो रेसिपी लिंक दे देना, ठीक है? तो ठीक है गाइस, तो बस आज का व्लॉग ऐसे ही स्माइल के साथ हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। डोज की प्रोसेस जो रहती है वो जल्द ही खत्म कर लीजिए, हमारा एक एक डोज दोनों का हो चुका है। नेक्स्ट डोज सेकंड डोज बस जल्द ही आने वाला है। एंड मास्क पहनो, सैनिटाइज करो अपने और अपने परिवार का। मास्क पहनो, सैनिटाइज करो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फन, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, पीस आउट। आपको पसंद आए तो कमेंट करो, कमेंट। क्या स्वैग है लड़की का, मतलब इसे बोलते हैं स्वैग। स्वैग स्वैग से पकेंगी शाम की दावत। 36 साल हो गए पर स्टिल अभी लड़का मार्केट में है और मॉडल जैसा दिखता है। ढूंढ दो कोई।